एक समय की बात है, गौतम बुद्ध और उनके कुछ शिष्य एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में लंबी दूरी तय करने की वजह से गौतम बुद्ध थक जाते हैं और वह अपने शिष्यों से कहते हैं, शिष्य वो देखिए, वहां एक बहुत अच्छा बागीचा है और उसी के निकट एक तालाब है। चलो हम सभी लोग वहां चलकर कुछ देर आराम करते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। शिष्य और गौतम बुद्ध उस तालाब के पास जाते हैं और वृक्षों के नीचे आराम करने लगते हैं। तभी गौतम बुद्ध एक शिष्य से कहते हैं, शिष्य जाओ उस तालाब से इस घड़े में पानी भर कर ले आओ, जिससे कि अपन सभी लोग पानी पी सकें। वह शिष्य तालाब के पास जाता है और देखता है कि तालाब में एक तरफ लोग गंदे कपड़े धो रहे हैं और दूसरे तरफ से बैलगाड़ियां निकल रही हैं, जिसकी वजह से पूरा पानी कीचड़ से ओतप्रोत हो गया है और वह पानी पीने योग्य नहीं है। यह बात देखकर शिष्य बड़ा दुखी हो जाता है और गौतम बुद्ध को आके पूरी कहानी बताता है। गौतम बुद्ध बिना कुछ कहे उस शिष्य से कहते हैं, शिष्य तुम भी थोड़ा आराम कर लो, फिर हम अपन दूसरे गांव की तरफ निकलेंगे। कुछ घंटे बीतने के बाद गौतम बुद्ध फिर उसी शिष्य से कहते हैं, जाओ शिष्य तालाब से पानी ले आओ। शिष्य आश्चर्य की नजर से गौतम बुद्ध की तरफ देखता है और बिना किसी प्रश्न के वह फिर से तालाब की दिशा में बढ़ जाता है। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचता है, वह देखता है कि तालाब का पानी बिल्कुल शांत हो गया है और साफ भी हो गया है। शिष्य बहुत खुशी होकर उस पानी को भरता है और गौतम बुद्ध को आकर पानी पिलाता है। गौतम बुद्ध पानी पीते ही उस शिष्य से कहते हैं, शिष्य आज तुमने जीवन का एक नया लेसन लर्न किया है। इस परेशानियों को समय देने से परेशानियां या तो खुद पर खुद खत्म हो जाएंगी या फिर उनका कोई समाधान निकल आएगा, लेकिन परेशान मन से यदि हम किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं वह हमेशा ही गलत होता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की ये कहानी हमें जीवन जीने की एक नई प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी परेशान होकर किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। यदि आपको आपके जीवन में किसी भी परेशानी का कोई समाधान समझ में नहीं आ रहा है तो उसे कुछ समय दीजिए। समय अपने आप में बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दी स्टोरी ऑफ क्रिएटिव आई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बनाने की प्रेरणा मिले और हम आगे कार्य कर पाएं। धन्यवाद।